Hello my dear students so today we will discuss the session number 37 questions from the chapter animal tissue first question is which of the following connective tissue the question is related to connective tissue is avascular a neural and has limited repair capabilities तो आपने क्या क्वेश्चन को पढ़ के समझा कि आपको ये जो चार टिश्यूज यहाँ पे गिवन हैं उनमें से वो कनेक्टिव टिश्यू सेलेक्ट करना है जो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा हो कौन से तीन कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो ये टिश्यू ए होना चाहिए मींस यहाँ पर ब्लड सप्लाई एबसेंट हो ए कैरेक्टरिस्टिक हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था इट इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथिलियम तो वैसे कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू इज़ रिच इन वैस्कुलर सप्लाई बट येस जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं यू ऑल नो कि इट इज़ द मोस्ट अबंड टिश्यू हमारे बॉडी में फ्लूइड की फॉर्म में भी प्रेजेंट है हार्ड फॉर्म में यानी बोन्स एंड कार्टिलेज की फॉर्म में भी प्रेजेंट है या स्टोरेज टिश्यू हमारा एडिपोज टिश्यू एरियोलर टिश्यू जॉइंट की बात करें तो टेंडेंस लिगामेंट्स ये सभी कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं ठीक है कनेक्टिव टिश्यू के क्वेश्चन के लिए आपको इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए तब आप इसके क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं तो आपको वो कनेक्टिव टिश्यू सेलेक्ट करना है नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यू इज़ रिच इन वैस्कुलर सप्लाई बट एक कनेक्टिव टिश्यू ऐसा है जहां पर ब्लड वेसल्स एबसेंट होती हैं एंड सिंपली दैट इज कार्टिलेज तो आंसर तो आपको यहीं पर मिल गया बट हमें बाकी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैच करने हैं ओके ए न्यूरल नर्व नर्वस भी वहाँ पर एबसेंट है एंड प्लस लिमिटेड रिपेयर कैपेबिलिटीज वैसे भी अगर आ, ए वैस्क्यूलर होगा तो मतलब ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जो रिपेयर अगर कार्टिलेज में डैमेज हो जाता है ना बच्चों तो एक्चुअली कार्टिलेज में जो सेल्स होती हैं सेल्स आपको पता है कॉन्ड्रोसाइट्स तो कॉन्ड्रोसाइट कौ, इस तरह लेक्यूना में प्रेजेंट होती है ना चारों तरफ मेट्रिक्स है कार्टिलेज का मैट्रिक्स बताइए किसका बना होता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इसके मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन या कॉन्ड्र भी बोल सकते हैं आप इसको जिसकी जैसे बोन्स में मैट्रिक्स इज हाईली कैल्सिफाइड जिसकी वजह से वहां पर फॉर्मनेस uh, आती है वैसे ही कार्टिलेज में इलास्टिसिटी किसकी वजह से है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ड्रन प्रोटीन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ओके और कुछ जहाँ जहाँ पर ये जहाँ पे ये, जहाँ ये आ, मैट्रिक्स नहीं होता वहाँ पर कुछ खाली स्पेस क्रिएट रहता है जिसे आप बोलते हैं लेक्यूनी सेम ऐसा ही स्पेस बोन्स में भी आपको मिलेगा और उन्हीं में कार्टिलेज और बोन्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेज के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कॉन्ड्रो वर्ड यूज होता है जैसे कि बोन्स के लिए ऑस्टियो ओके तो कॉन्ड्रोसाइड्स पेरी इस तरह के जो टर्म्स हैं दे आर रिलेटेड टू कार्टिलेज ठीक है तो कार्टिलेज की जो कॉन्ड्रोसाइट्स जब मेच्योर हो जाएंगी एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट जब इन सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन लेक्यूनी और इनमें डिवीजन uh, की पावर बहुत लिमिटेड होती है जिसकी वजह से अगर कोई डैमेज होता है कार्टिलेज में तो उसका रिपेयर होना बहुत मुश्किल है आर्टिफिशियली मतलब अलग अलग मीन से मेडिकल इंटरवेंशन भी रिक्वायर्ड होता है अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो तो ठीक है तो uh, यहाँ पर तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं सिंपली कार्टिलेज से बिकॉज कार्टिलेज ए वैस्क्यूलर भी है इनमें ब्लड सप्लाई नहीं है अगेन तो फिर इन्हें नरिशमेंट कैसे मिलेगा जो भी एडजस्टेंट टिश्यू है वहाँ पर जो भी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से डिफ्यूजन के थ्रूट्रिय न्यूट्रिय मैट्रिक्स में आएंगे और मैट्रिक्स से दी सेल्स विल गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स और इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट्स भी एग्जिट होंगे ठीक है क्लियर और रही बात बाकी तीन ऑप्शंस की तो वो भी हम देख लेते हैं बोन बोन में बोन्स ये वैस्क्यूलर नहीं है ध्यान रखिएगा बोन और कार्टिलेज में ये डिफरेंस है ठीक है कि बोन में मै मैक्टोमेट्रिक्स तो कैल्सिफाइड है कार्टिलेज में कॉन्ड्राइटन का इलास्टिक है और एक बोन्स वैस्क्युलर होती हैं आपने जब बोन का स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा तो बीच में जो इनमें हेवरसियन केनाल्स प्रेजेंट होती हैं या दूसरे जो भी आपने सिस्टम्स पड़े हैं उनमें ब्लड वेसल्स ड्रॉ करते हैं हम हमेशा ठीक है तो बोन वैस्क्युलर है लिगामेंट एंड टेंडन दोनों अगेन कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म्स हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं तो का, तो कार्टिलेज में नो ब्लड वेसल्स नो नर्व्स एंड लिमिटेड रिपेयर केपेबिलिटी सो योर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन ठीक है आप एनसीईआरटी में कार्टिलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं यू हैव टू रिमेंबर दिस क्लियर आगे बढ़े वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए बट कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस भी डिस्कस करने चाहिए जिससे सिली मिस्टेक के चांसेस कम हो यहां देखिए इतनी बड़ी सिली मिस्टेक एक हो सकती है क्वेश्चन देखिएगा हिस्टामिन इन ब्लड इज रिलीज बाय जैसे ही हिस्टामिन वर्ड हम पढ़ते हैं तो हम कनेक्टिव टिश्यू में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल्स होती हैं मास्ट सेल्स पढ़ा है इनके बारे में कनेक्टिव टिश्यू में कई सारी सेल्स पड़ी होंगी फाइब्रोसाइट्स जो फाइबर्स को सिक्रीट करती हैं मैक्रोफेजेस जो फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं है ना तो उसी तरह से एक मास्ट सेल्स होती हैं जिनका फंक्शन होता है इट दे सिक्रीट थ्री सब्सटेंस वन इज हिस्टामिन एलर्जी में भी जब आप ट्वेल्थ में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो केमिकल हैं उसमें स्टामिन इज द चीफ केमिकल और वो सिक्रीट होता है मास सेल से तो स्टामिन को हम हमेशा मास सेल के रेफरेंस में याद रखते हैं और इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन मास सेल्स ही है अगर आपने इसको टिक कर दिया तो आप तो खुश होंगे कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन था वी ऑप्टेन फोर मार्क्स बट यू विल लूज फाइव मार्क्स क्यों क्योंकि यहाँ पर आपने एक वर्ड पर ध्यान नहीं दिया हिस्टामिन इन ब्लड इज रिलीज बाय क्या ब्लड में कहीं आपने मास्क सेल्स पढ़ी हैं नहीं ब्लड में भी इस्टामिन रिलीज करती हैं ब्लड सेल्स भी बट वो कौन सी सेल्स होती हैं जब आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्लड को डिटेल में स्टडी किया होगा तो वहाँ पढ़ा होगा बेसोफिल्स के बारे में कि जो बेसोफिल्स हैं जो ग्रैन्युलोसाइट्स में तीन टाइप होते हैं नॉ न्यूट्रोफिल योसोनोफिल बेसोफिल जिनका नंबर सबसे लीस्ट बहुत कम होता है उन सेल्स का भी फंक्शन है इन तीन केमिकल्स को सिक्रीट करना कौन से तीन केमिकल्स हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन ठीक है ये मास्ट सेल्स तो सिक्रीट कर रही हैं कहां कनेक्टिव टिश्यू में और इन्हीं तीनों केमिकल्स को सिक्रीट कर रहा है कौन बेसोफिल सिक्रीट कर रही हैं ब्लड में बेसोफिल्स इन ब्लड ठीक है सिर्फ एक क्वेश्चन आपके मार्क्स को इधर से उधर कर एक वर्ड आपके मार्क्स को इधर से उधर कर देगा ओके okay? तो ये ध्यान रहेगा आपको और क्योंकि हमने तीनों केमिकल्स के नाम लिखे हैं तो शॉर्ट में इनके फंक्शंस भी बता देती हूँ हिस्टामिन वाजो डायलेटर है एलर्जी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही प्लस ब्लड वेसल्स में ये डायलेशन का, का काम करता है सीरोटॉनिन इसके जस्ट अपोजिट वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर है और जो हिपेरिन है इट इज़ अ नेचुरल एंटी को जो हमारे फ्लोइंग ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है ठीक है क्लियर उसके अलावा हिस्टामिन और सीरोटॉनिन को इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी कहा जाता है जब भी बॉडी में कहीं चोट लगती है या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं जैसे रेडनेस का होना इचिंग का होना है ना वो सब के लिए भी ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल है ठीक है क्लियर ये सब आप चीज़ें डिटेल में पढ़ अलग अलग चैप्टर्स में आपने पढ़ी हैं तो हिस्टामिन इन ब्लड इज रिलीज बाय तो वॉट इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर आपको क्या टिक करके आना है मास्ट सेल या बेसोफिल योर आंसर इज द बेसोफिल क्योंकि यहाँ ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है ठीक है और माइक्रोफेजिज और इोसिनोफिल तो होगा नहीं क्योंकि मैक्रोफेज तो फेगोसाइटोसिस करती हैं कनेक्टिव टिश्यू में है और इओसिनोफिल भी चलो नाम आया तो इसका फंक्शन बताओ मुझे कि ईओसिनोफिल क्या करता है इओसिनोफिल जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेन एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन्स मेनली है ना जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हैं उनसे लड़ने में ब्लड को और मतलब हमारी बॉडी की हेल्प करता है क्लियर ठीक है तो ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस को भी आपको बहुत ही ध्यान से करना है अगर आप हैबिट रखेंगे अपनी पेशेंटली क्वेश्चंस करने की तो क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम सही होंगे ओके बेस्ट ऑफ लक